आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। मोदी सरकार में कोरोना वायरस को लेकर के अगर कहीं किसी की चांदी है तो वो है राशन डीलरों की। वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने में कतई पीछे नहीं रहते। पब्लिक के पास राशन कार्ड हो या न हो, अगर बेवकूफ कोई बनता है तो वो है आम जनता। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। विदित क्या वो भी है कि अभी भी पूरे क्षेत्र के अपने वार्ड की जनता को पूरे कार्ड नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक देखा जा रहा है दानापुर विधानसभा में कि सबसे बड़ी समस्या है राशन कार्ड न होना। आप बताए संदर्भ में राशन कार्ड नहीं होना, तो अभी तो राशन कार्ड हम अपने माध्यम से भी राशन कार्ड नया फिलअप फॉर्म भरवाए हैं, जमा करवाए हैं, और कुछ लोग अभी जमा किए हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। और मैं यही आग्रह अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, सारा दुनिया जो है महामारी से, सब महामारी से बहुत परेशान है। सबसे बढ़िया है, सबसे समस्या ये है कि एक महीना बीतने को है। हाँ, जिसके पास कार्ड था उसको राशन दिया गया, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, नहीं है। उसको राशन नहीं दिया गया। इस परिस्थिति में उनका घर का स्थिति में दयनीय हो रहा है, तो इस संदर्भ में कुछ बताएं। इसका ये दयनीय है, इस राशन कार्ड नहीं उनको नहीं दिया गया, जो कि हम लोग भी मिले डीलर से, फिर भी कह देंगे और नहीं दे रहे, वहाँ जा रहा है तो उसको लौटाया जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अब उनका हालत दयनीय है, जिससे मैं अपने तरफ से सबको 5-5 किलो का आटा माध्यम से अपने वार्ड में सभी घर डोर टू डोर जाकर वितरण किया हूँ। ठीक है। और सबसे बड़ी गर्मी का मौसम आ गया, सबसे बड़ी समस्या होगा जल का। इसमें बताइए कि जल की समस्या को लेकर क्या कर रही है योजना। जल समस्या क्या, तो अभी कोई इसका कुछ वही नहीं रहा है। जल का यहाँ जल निकासी, पहले तो जल निकासी का प्रोग्राम, दो जल निकासी है, कोई ना नाला उड़ाई हो रहा है ना कुछ हो पा रहा है। और फिर आने वाला समय फिर वही प्रॉब्लम आएगा जो अभी आया था इस साल। अपना परिचय जनरल, मेरा आजाद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड नंबर है। जिनका राशन कार्ड होते हुए नौजीत बता रहा है, वॉश मशीन में जो है कि एंट्री नहीं है, उस टाइप की ज़्यादा शिकायतें आ रही है। और राशन दुकानदार भी उन लोगों को राशन नहीं दे रहा है। अब इस लॉकडाउन में उनको कहा जा रहा है कि आपका एंट्री कराना होगा, तो वो कहाँ जाके एंट्री कराएंगे अभी इस लॉकडाउन में। तो उनको अगर इस महामारी में गरीब लोगों को राशन नहीं मिलेगा वो, तो उसकी भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। इस विषय पर कुछ पदाधिकारियों के पास मैंने कुछ फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना फ़ोन उठाया जाता है और ना उस पर कोई कार्रवाई की। खास चावल की भी शिकायत ही मिल रही है। चावल तो बहुत गंदा आया है, जो खाने लायक है ये नहीं है। और कैसे वो चावल वितरण किया जा रहा है कि वो चावल खाने से और ज़्यादा ही लोग बीमारी हो जाएगा। क्या इस पर सरकार को ध्यान किया में लाया गया था? सरकार सिर्फ पेपर में, मीडिया में बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसा कार्य नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमें जो है कि राशन कार्ड नहीं है, और डीलर भी जो है कि राशन नहीं दे रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ बताएं। अब राशन कार्ड जिसका नहीं है उसको तो डीलर नहीं दे रहे हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसका राशन कार्ड है और उसको डीलर नहीं दे रहे हैं, तब तो वो सोचने का विषय है आखिर उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस विषय पर भी मैंने SDO पटना SDO को भी कॉल किया और राशनिंग ऑफिसर को भी कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनके व्हाट्सअप पर अपना मैसेज डाला। मैसेज दो डालने के 2 दिन के बाद कुछ राशनिंग ऑफिसर से कुछ कर्मचारी आए और हमारे क्षेत्र में कुछ राशन दुकानदारों में न तो जाँच की गई, लेकिन उस जाँच में क्या किया गया, खानापूर्ति की गई कि कोई काम किया गया, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं।
अच्छा अधिकारी है तो क्या वैसे व्यक्ति को राशन दिलवाए? ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो व्यक्ति राशन दुकानदार के पास, वो इस टाइम आए थे जिस समय राशन दुकान पर कोई भी व्यक्ति राशन लेने के लिए मौजूद नहीं था। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार, वार्ड पार्षद दानापुर नगर परिषद, वार्ड नंबर 32।